नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चलिए राजस्थान की शाम की ताजा खबरें जान लेते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में तय समय सीमा से पहले मानसून मेहरबान होने वाला है। राजस्थान में तेज गर्मी से तप रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस बार मानसून समय से पहले आने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम केंद्र दिल्ली ने भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में आने की संभावित तारीख घोषित कर दी है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार केरल में मानसून आने के बाद राजस्थान तक इसे पहुंचने में औसतन 20 से 22 दिन का समय लगता है। इसीलिए संभावना है कि राजस्थान में मानसून समय से एक सप्ताह पहले 16 से 18 जून के बीच आ सकता है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में पानी को लेकर मचा हाहाकार। राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है, बांधों के पिंदे भी दिखने लगी है। इंदिरा गांधी नहर को 19 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। 1 करोड़ आबादी पानी की किल्लत झेल रही है। पेयजल के लिए भूजल दोहन ही बड़ा उपाय बचा है। भास्कर ने जल शक्ति मंत्रालय के 2011 से 2021 तक के आंकड़ों का एनालिसिस किया तो सामने आया कि गिरते भूजल स्तर के मामलों में राजस्थान देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। केंद्र की इस रिपोर्ट के अनुसार कुओं में जल स्तर सबसे ज्यादा 85% गोवा में गिरा है, अरुणाचल प्रदेश में 80%, पंजाब में 69%, त्रिपुरा में 64%, राजस्थान में 59% भूजल स्तर गिरा है। सर्वाधिक गिरावट राजस्थान में झुंझुनू, सिरोही, अलवर, सीकर, दौसा में आई है। राज्य के 295 में से 203 ब्लॉक डार्क जोन में शामिल है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। रेलवे में बिना एग्जाम होगा सिलेक्शन। भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस के 1044 पदों पर भर्ती निकली है, जिनके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवारों रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा की गई बंपर भर्ती के उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा के सीधा 10वीं की मार्कशीट के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान के प्रॉपर्टी बाजार में बूम देखने को मिला है। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारियों में भले ही कई बाजारों और बिजनेसों को चौपट कर दिया है, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हो, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसमें इस महामारी का कोई खासा असर नहीं पड़ा है, यह है रियल एस्टेट सेक्टर। पिछले 3 सालों के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कोरोना काल शुरू होने के बाद से लोगों में रियल एस्टेट में निवेश का रुझान बढ़ा है। यही कारण रहा है कि पिछले 3 साल में इस सेक्टर में खरीदी प्रोक्ता दोगुनी हो गई है। यह हम नहीं बल्कि सरकार की ओर से पिछले 3 साल के जारी रजिस्ट्री के रिकॉर्ड बोल रहे हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। पानी सप्लाई की चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिली है। भरतपुर के डिंग कस्बे में चंबल का पानी पौष इलाकों में पहुंच रहा है, लेकिन दलित पिछड़े लोगों की बस्तियां पानी से महरूम है। बस्ती वालों का कहना है कि हमने अपने खर्च पर पाइपलाइन डलवा दिए, तब भी पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, महंगे टैंकर डलवाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि अफसर पानी बांटने में भी भेदभाव कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी राजस्थान की शाम की ताजा अपडेट। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।